आप जब भी आंदोलन करिए 5 लाख बढ़ेगा, जब भी आंदोलन करिए 5 लाख बढ़ेगा। तो इसका मतलब साफ साफ है कि नियम कानून कुछ है नहीं। जब आंदोलन करो तो 5 लाख बढ़ना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर ये 5 लाख बढ़ता क्यों है, इतने संघर्ष के बाद बढ़ता क्यों है। और इस गंदगी को साफ करने का संघर्ष हम कर रहे हैं और ये गंदगी साफ करके रहेंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े लोग से मेरा लड़ना होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े माफिया इन्वॉल्व है, सेंट्रल माफिया इन्वॉल्व है, स्टेट माफिया इन्वॉल्व है। पेपर वेपर सबके साथ मुझे दे दिए कि देखिए हमको मुआवजा नहीं मिला, देखिए हमको इतना इतना मेरा लैंड गया है, इतना इतना एकड़ में गया है, लेकिन एक ज़रा भी कंपनी कहीं भी हमको रखी नहीं है बाहर के लोगों को। जाएंगे पत्रातूत में तो आपको दिखेगा पूरा भय का माहौल है, लोग खुल के नहीं जीते, व्यापारी खुल के काम नहीं करते, बहुत सारे जो विकास योजना है वो आधा पढ़ के लटके हुए हैं, क्योंकि जो ठेकेदार है वो भाग जाते हैं, क्योंकि या तो डिमांड पूरे नहीं कर पाते या फिर वो डर के मारे भाग जाते, कोई भी काम वहाँ नहीं करना चाहता। तो इस तरह का दहशत का माहौल, डर का माहौल आज भी 2023 में अगर ऐसा हम लोगों को आज के युग में देखने को मिले तो ये निश्चित तौर पे ये साफ साफ दिखा। प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो क्षेत्र बहुत ईजी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वहाँ पे आप अगर हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे तो आप मारे जाएंगे। रामगढ़ का उपचुनाव हुआ, नतीजा आ गया, उससे पहले एक घटना घटी थी आपके क्षेत्र में, क्या था मुद्दा, क्यों गर्म हो गई? रुको भाई, देखिए वो कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव भी थे, मेरे प्रतिनिधि भी थे, पहले तो वो कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में थे, बाद में मेरे विधायक प्रतिनिधि थे, और काफ़ी अच्छा स्वभाव था उनका, किसी को भी वो परेशान नहीं किए। ये सिर्फ किसी तरह का अटैक मेरे ऊपर है ताकि मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जाए, ताकि मैं क्षेत्र में उतनी सक्रिय रूप से जो मैं घूम रही हूँ, काम कर रही हूँ, लोग मुझे इतना हर जगह खोज रहे हैं या फिर जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ, इससे कहीं ना कहीं देखिए कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसका तो शिकार लोग होते ही हैं, लेकिन अब राजनीतिक रूप से भी जो उस तरह के लोग हैं जो लोगों को पूरा परेशान किए हुए हैं, व्यापारियों को परेशान किए हुए हैं, आमजनों को परेशान किए हुए, अब वो चाहते हैं कि ऐसा कब्जा मेरे क्षेत्र में हो कि राजनीतिक रूप से भी वो नुकसान पहुंचाए, राजनीतिक रूप से भी वो अपने आप को मजबूत करे, और बाकी जिस तरह से वो अपना मजबूती कर रहे हैं सबको परेशान करके उस तरह से भी करे। एक वीडियो वायरल हुआ आपके और आप पिताजी का, उससे तो ये स्थिति समझ में आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके बस में नहीं है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में या पदाधिकारियों को या पुलिस प्रशासन को हमने पर्सनली कुछ नहीं बोला है, हमने एक मतलब विशेष कुछ लोग हैं जो पुलिस में रह के भी इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम करने का, मतलब जो ये ऑर्गेनाइज क्राइम घटित होता है उसमें कहीं ना कहीं वो या तो लापरवाह होते हैं या तो मिले हुए होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे आप जाएंगे पत्रातूत में तो आपको दिखेगा पूरा भय का माहौल है, लोग खुल के नहीं जीते, व्यापारी खुल के काम नहीं करते, बहुत सारे जो विकास योजना है वो आधा पढ़ के लटके हुए हैं, क्योंकि जो ठेकेदार है वो भाग जाते हैं, क्योंकि या तो डिमांड पूरे नहीं कर पाते या फिर वो डर के मारे भाग जाते, कोई भी काम वहाँ नहीं करना चाहता। तो इस तरह का दहशत का माहौल, डर का माहौल आज भी 2023 में अगर ऐसा हम लोगों को आज के युग में देखने को मिले तो ये निश्चित तौर पे ये साफ साफ दिखा। आपके नाम पे केस नहीं हुआ, लेकिन एक के बाद एक 8 केस होना, NTPC के द्वारा ये कहना कि काम में बाधा विधायक और उनके समर्थक पहुंचाते हैं, प्रशासन कहती है कि सब ठीक चल रहा है, किसी तरीके का जो नियम कानून है सबका फॉलो हो रहा है, आपको लग रहा है कि पिता के बाद माँ का, माँ के बाद अम्बा का नंबर आ गया? लग तो वही रहा है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो क्षेत्र बहुत ईजी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वहाँ पे आप अगर हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे तो आप मारे जाएंगे, और आपको बचने के लिए आपको स्ट्रैटेजिकली लोगों को अधिकार दिलाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सहयोग की उम्मीद नहीं दिखती है, बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, किसका रहता है वो नहीं पता, वो समझ। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, आपका ये आज से ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था सदियों से है, जब से मेरी माँ के बारे में भी आप बात किए तो वो भी BJP सरकार था, मेरे पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू की बात किए वो भी BJP की सरकार था, आज हमारी सरकार है तो हम लड़ रहे हैं, और हम लड़ रहे हैं, हम नियम कानून से लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर आप बोलते केस नहीं हुआ, तो मेरे ऊपर क्यों केस होगा? क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है इसलिए केस होगा, हमने तो किसी का कुछ तो जब आप पुलिस पे इतना बात कर रही है कि कहीं संलिप्तता या कहीं लापरवाही है,
तो कल जितने पे FIR दर्ज हुआ उनके बयान में अंबा का नाम आ जाएगा कि अंबा जी के कहने पे हमने धरना प्रदर्शन या सड़क जाम किया था, फिर अंबा जी मुख्य आरोपी हो जाएंगे। सिस्टम तो ऐसे ही, हमारे कहने पे कोई नहीं कर रहा है। इनफैक्ट हमको 500 आवेदन मिला है उस क्षेत्र से जो अभी भी गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो उन आवेदनों का हम कुछ तो करेंगे, हम तो बैठे नहीं रहेंगे और हम बैठे रहने वाले व्यक्ति है भी नहीं। उन आवेदन में जो भी लोगों का है, पूरा अपना ज़मीन का कागज लगा दिया गया है, अपना आधार कार्ड लगा दिया गया है, अपना सारा चीज़ लगा दिया गया है, पेपर वेपर सबके साथ मुझे दे दिए हैं कि देखिए हमको मुआवजा नहीं मिला, देखिए हमको इतना इतना मेरा लैंड गया है, इतना इतना एकड़ में गया है, लेकिन एक ज़रा भी कंपनी कहीं भी हमको रखी नहीं है, बाहर के लोगों को रखी। हम नाम नहीं लेंगे, एक आरोप आप पे है, आपके पूरे परिवार पे, कि अगर लोगों को 2 लाख का मुआवजा तय होता है, मिलना शुरू होता है, तो आप लोग 4 लाख का डिमांड करने लगते हैं, 4 लाख का डिमांड पूरा होता है तो 6 लाख का डिमांड बोलते हैं कि सिस्टम उलझा के रख दिया। आपके सारे जो सवाल है उसका जवाब मेरे पास है। आप सोचिए कि वहाँ पे लोग आंदोलन करते हैं तो 5 लाख बढ़ता है, आप जब भी आंदोलन करिए 5 लाख बढ़ेगा, जब भी आंदोलन करिए 5 लाख बढ़ेगा, तो इसका मतलब साफ साफ है कि नियम कानून कुछ है नहीं। जब आंदोलन करो तो 5 लाख बढ़ना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर ये 5 लाख बढ़ता क्यों है, इतने संघर्ष के बाद बढ़ता क्यों है, कुछ तो आधार होता है ना। नियम कानून के बगैर तो वो देंगे नहीं, नियम कानून के बगैर तो वो बढ़ाएंगे नहीं। इसका मतलब यही है कि किसी तरह से पंचायती के आधार पे काम हो रहा है और इस गंदगी को साफ करने का संघर्ष हम कर रहे हैं और ये गंदगी साफ करके रहेंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े लोग से मेरा लड़ना होगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े माफिया इन्वॉल्व्ड है, सेंट्रल माफिया इन्वॉल्व्ड है, स्टेट माफिया इन्वॉल्व्ड है, हम उन सब लोगों से लड़ रहे हैं। इसीलिए आज मुझे पिताजी जेल चले गए, माँ जेल चली गई, अम्बा क्या कर लेगी, अम्बा भी जेल जाएगी। देखिए अम्बा लड़ेगी, अब जेल जाएगी कि नहीं जाएगी वो नहीं पता, लेकिन अम्बा सिर्फ लोगों के लिए खड़ी है और लोगों का विश्वास मुझ पे है, वो विश्वास टूटने नहीं देंगे। लेकिन अम्बा जी, आपके सारे सवाल का जो आपने जवाब दिया उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि सरकार आपकी, सिस्टम आपका, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का, फिर भी आप असंतुष्ट हैं, फिर भी वहाँ गांव के लोग असंतुष्ट हैं, मतलब आपका सरकार नहीं अच्छा काम कर रही है, लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही है, लोग अपने सत्ता पक्ष के विधायक के पास जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी हक और अधिकार के लिए, तो इसको क्या बोले, मुख्यमंत्री आपकी नहीं सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, बहुत सारा काम किए हैं मेरा और अभी भी हम उनको एक दो काम के लिए रिक्वेस्ट किए, उन्होंने आश्वासन दिया है। देखिए समस्याएं बहुत है और जो विस्थापन की समस्या है उस समस्या को अभी तक हल नहीं किया गया है क्योंकि बहुत सारे चीज़ हैं, एक ही बार सब कुछ नहीं ठीक कर, सरकार के पास बहुत उतना समय नहीं मिला, बहुत सारे वर्ग के लोग, स्टूडेंट वर्ग के ऊपर है सो सरकार काम कर रही है, अलग अलग वर्गों पे काम कर रही है, लेकिन स्टूडेंट मत बोलिए, अब तो झारखंडी हित आप लोग कहते थे ओपन फॉर ऑल कर दिया, झारखंडी हित की रक्षा कहाँ की आपने? देखिए हम तो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि झारखंडियों को मिलना चाहिए आरक्षण, जो बाहर के लोग हैं वो बाहर में उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन झारखंडियों के पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं वो झारखंड के तरफ देख रहे हैं और 4-5 साल से वंचित है, एज भी सबका 4-4 साल बर्बाद हो गया है, तो हम तो अपना बात रख रहे हैं और कुछ संज्ञान में लिया जा रहा है, कुछ संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है तो उसको फिर से रख रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपको लग रहा है कि बहुत लोग आपका नाम लेके कह रहे हैं कि अम्बा जी का वीडियो वायरल हुआ इसलिए रामगढ़ चुनाव हार गई कांग्रेस, आप भी मानती हैं? देखिए ये चीज़ तो हम नहीं मानते हैं क्योंकि वहाँ पे किस तरह का क्या लोगों को गुमराह करके और जो खेल खेला गया है वो तो आपको भी पता है, और ममता देवी जनता का लड़ाई लड़के जेल गई है, कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं रहा है, हमेशा संघर्ष करती रही है, हमेशा लड़ती रही है, आज भी वो विपरीत परिस्थिति में, आज भी वो ऐसे परिस्थिति में है, वो जेल में है, उनका बच्चा भी बाहर है, लेकिन पूरे समाज के लिए वो अपना संघर्ष कर रही है, त्याग कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जी हार जीत होते रहता है, जनता का निर्णय था उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनका संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से जीतेगी, फिर से आएगी। शुक्रिया, लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, हक और अधिकार की लड़ाई है, आंदोलन को उसी रूप में देखना चाहिए, सरकार किसका है वो फर्क नहीं पड़ता, कह रहे अगर बार बार आंदोलन करने से बार बार रैयतों को मुआवजा की राशि बढ़ रही है तो कहीं तो कुछ कमी है। शुक्रिया। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in